भारत सरकार दे महिला ते बाल विकास मंत्रालय वल्लों अज चंडीगढ़ विच सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशां नाल खेतरी सम्मेलन दा आयोजन कीता गया। केंद्रीय महिला ते बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस सम्मेलन दा उद्घाटन कीता। इस सम्मेलन विच पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर अते लद्दाख दे सरोकारी प्रतिनिधियां ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन दा मकसद कुपोषण संबंधी चिंतावां नूं दूर करन अते महिलावां अते बच्चियां दे शक्तिकरण, विकास अते संभाल लई सूबा सरकारां, केंद्र शासित प्रदेशां अते होर हितधारकां तक पहुँच करना सी। जिक्रयोग है कि भारत की आबादी विच 67.7% हिस्सा महिलावां अते बच्चियां दा है। केंद्र सरकार वल्लों इन्हां दी भलाई लई चलाईयां जा रहियां योजनावां राहीं महिलावां अते बच्चियां नूं विकास लई इक अजिहा वातावरण उपलब्ध करवाउणा है जो पहुंचयोग, सुखाला, किफायती, भरोसेयोग अते हर तरह के भेदभाव अते हिंसा तों मुक्त होवे। केंद्रीय महिला अते बाल विकास मंत्रालय दीआं योजनावां तहत निर्धारित उद्देशां नूं सूबा सरकारां अते केंद्र शासित प्रदेशां दे सहयोग नाल प्राप्त कीता जांदा है क्योंकि जमीनी पद्धर ते इन्हां योजनावां दे प्रबंध लई इह सरकारां ही जिम्मेवार हुंदियां ने। केंद्र सरकार ने मिशन मोड विच लागू करन लई महिला ते बाल विकास मंत्रालय दीआं 3 महत्वपूर्ण प्रमुख योजनावां नूं प्रवानगी दित्ती जिन्हां विच मिशन पोषण 2, मिशन शक्ति अते मिशन वात्सल्य शामिल ने। जोनल कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिआं केंद्रीय महिला ते बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट वालों बच्चों ते महिलावां दे विकास लई 3 योजनावां नूं मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि केंद्र दे यतना सदका बच्चों विच कुपोषण विच काफ़ी सुधार आया है। उन्होंने कहा कि इस समय कुपोषण की दर 7% ते आ गई है। स्मृति ईरानी ने कहा कि महिलावां दे सिक्ख्या दे खेतर विच भी काफ़ी मदद दी जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दे 3 मिशनां मिशन पोषण 2, मिशन शक्ति अते मिशन वात्सल्य नूं वित्त कमीशन दे 2021-22 तों 2025-26 के अंतराल दौरान लागू किया जाएगा। कि हम सब एकजुट हुए हैं ताकि उन महिलाओं का संरक्षण कर सके जिनके बारे में समाज चिंता व्यक्त करता है। इस चिंता को, इस चुनौती को कहीं ना कहीं सल्यूशन का एक जामा पहनाया देश में वन स्टॉप सेंटर्स ने। आप सब भलीभांति इस बात से परिचित हैं कि भारत सरकार के पूर्ण आर्थिक सहयोग से देश में 704 वन स्टॉप सेंटर्स अब तक फंक्शनल हैं। वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन के सौजन्य से अब तक देश में 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को हम सेवा, सहयोग, सहायता और सुरक्षा देने में सक्षम हो पाए हैं।